नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको प्रेरणा देने और सफल बनाने की बातें करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास किताब के बारे में, द मिलियनेयर माइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़पति लोग कैसे सोचते हैं? उनकी सफलता के पीछे की असली वजह क्या होती है? आइए जानते हैं इस किताब के कुछ खास अंश जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। एक, सोच का महत्व। अमीर बनने की शुरुआत आपके सोचने के तरीके से होती है। साधारण लोग समस्या देखते हैं, लेकिन करोड़पति लोग समाधान। वे कभी यह नहीं सोचते कि मैं यह नहीं कर सकता, बल्कि वे यह सोचते हैं कि मुझे यह कैसे करना है। उनकी सोच हमेशा पॉजिटिव और परिणाम आधारित होती है। दो, सेविंग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर ध्यान। क्या आप जानते हैं कि करोड़पति सिर्फ बचत नहीं करते, बल्कि सही जगह निवेश भी करते हैं? वे अपने पैसे को ऐसे क्षेत्रों में लगाते हैं जहां से उन्हें लंबे समय तक लाभ मिलता रहे। द मिलियनेयर माइंड में बताया गया है कि सही निवेश करना अमीर बनने की कुंजी है। तीन, जोखिम लेने की क्षमता। एक आम धारणा है कि अमीर लोग सुरक्षित रहते हैं, लेकिन असल में वे समझदारी से जोखिम लेते हैं। वे नाप तोल कर अपने व्यवसाय और निवेश में बड़े कदम उठाते हैं। अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको अपने डर को पीछे छोड़ते हुए समझदारी से रिस्क लेना सीखना होगा। चार, नेटवर्किंग और कनेक्शन। इस किताब के अनुसार करोड़पति लोग अपने संबंधों का सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं। वे हमेशा नए लोगों से मिलते हैं, उनसे सीखते हैं और उनके साथ अपने व्यवसाय को बढ़ाने के मौके तलाशते हैं। उनका मानना है कि नेटवर्क ही नेटवर्थ है। पांच, कड़ी मेहनत और अनुशासन। सिर्फ स्मार्ट काम ही नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और अनुशासन भी सफलता की कुंजी है। इस किताब में बताया गया है कि करोड़पति लोग अपने समय को बहुत कीमती मानते हैं और इसका पूरा उपयोग करते हैं। वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे द मिलियनेयर माइंड के कुछ बेहद महत्वपूर्ण सबक। अगर आप भी करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं, तो इन आदतों को अपने जीवन में उतारें। सफलता आपके सोचने और करने के तरीके पर निर्भर करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी प्रेरक कंटेंट ला सकें।